भरोसा हो खुद पर विश्वास, रचता है आम आदमी भी इतिहास। मैं साथ हूँ हर कदम हर डगर, होगी विजय खेले होगी विजय। हर एक उत्तर को सोचे विचारें, इस मंच से पूरा भारत निहारे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरे पिछले वीडियो की तरह ही इस बार भी केवीसी के मंच पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन एवं उनके आंसर पर आधारित यह वीडियो बना रही हूं। फ्रेंड्स, केवीसी रजिस्ट्रेशन 10 मई से शुरू हो रही है और लॉकडाउन में पिछले वर्ष की तरह ही सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी सारे केवीसी ऑडिशन ऑनलाइन ही होगी। मेरे क्वेश्चन नए और पुराने जीके पर आधारित हैं, इसलिए अदर एग्जाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखें, केवीसी की तैयारी करें, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और साथ ही वीडियो के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी सिक्किम। इसमें बी मणिपुर पर टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, यक्षगान नामक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पश्चिमी बंगाल। ए कर्नाटक पर टिक लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? ए बोरोबुदुर का मंदिर, बी आनंद मंदिर, सी सीतनवासल मंदिर, डी अंकोरवाट मंदिर। तो डी अंकोरवाट पर टिक लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया नामक द्वीप समूह किस सागर में अवस्थित है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी फारस की खाड़ी और डी हिंद महासागर। तो इसमें हम सी फारस की खाड़ी पर टिक लगाएंगे। फाइव क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने किस राज्य में पवनार आश्रम की स्थापना की? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो बी महाराष्ट्र पर टिक लगाएंगे। छठा क्वेश्चन है, लाग बी ओमार उत्सव हिबू महीना के 18वें दिन मनाया गया, यह किस देश में मनाया गया? ए ईरान, बी बहरीन, सी सऊदी अरब, डी इजराइल। तो इसमें डी इजराइल पर टिक लगाएंगे। कैबिनेट शब्द को भारतीय संवैधानिक संशोधन 44वें में 1978 में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो ए 352, बी 301, सी 357 और डी 411। तो इसमें ए 352 पर क्लिक करेंगे। आठवां क्वेश्चन, किसे गज़लों का जनक कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी उमर खयाम। तो इसमें बी मिर्जा गालिब पर टिक लगाएंगे। नवा क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? ए लता मंगेशकर, बी पीटी उषा, सी अमृता शेरगिल, डी नरगिस दत्त। तो इसमें बी पीटी उषा पर टिक लगाएंगे। दसवां क्वेश्चन, भारत के चार प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है मार्तंड सूर्य मंदिर, यह किस राज्य में है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। तो सी जम्मू कश्मीर पर टिक लगाएंगे। ग्यारहवां क्वेश्चन, किस राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास को रूजवेल्ट हाउस के नाम से जाना जाता है? ए बैंकॉक, बी काहिरा, सी इस्लामाबाद, डी नई दिल्ली। डी नई दिल्ली पर टिक लगा देंगे। बारहवां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो डी त्रिपुरा पर टिक लगाएंगे। तेरहवां क्वेश्चन, किस पिन कोड संख्या के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? ए 4, बी 8, सी 7 और डी 6। इसमें हो जाएगा आपको 7। चौदहवां क्वेश्चन है, शहतूत विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन है, वह कहाँ पैदा होता है? ए नेपाल, बी उज्बेकिस्तान,
सी चीन, डी बांग्लादेश। इसमें बी उज्बेकिस्तान पर टिक लगा देंगे। 15वां क्वेश्चन, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसमें बी जहांगीर पर टिक लगाएंगे। 16वां क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू की? ए रामनाथ पुरी, बी जीडी कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारकनाथ दास। तो इसमें डी पर टिक लगाएंगे, तारकनाथ दास। फ्रेंड्स, इस तरह हमारे 16 क्वेश्चन केबीसी के पूरे होते हैं, क्योंकि केबीसी के मंच पर अभी तक 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 16वां क्वेश्चन जैकपॉट पिटारे के नाम से जाना जाता है। और इसके खुलने के बाद ही आपका 7 करोड़ रुपये जीतने का ऑप्शन आ जाता है। इसके आंसर में न तो लाइफ लाइन देना पड़ता है और न ही किसी की सहायता लेनी पड़ती है, समय ही समय इसमें दिया जाता है, आप जितना समय लेकर इसको खेल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद पड़े तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत के बाद आप लोग के लिए बनाया है। जो भी केबीसी में क्वेश्चन जिस टाइप के भी पूछे जाते हैं, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। 2 क्वेश्चन पहचान करना या फिर किसी गाने के बोल को पहचानना, ये 2 क्वेश्चन मैं नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप अपने मन से कर सकते हैं। तो सभी देखने वाले दर्शक जो भाई बहन हैं, जो भी इसमें गलती नज़र आते हो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर लूँगी। तो सभी देखने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।